नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों आज का वीडियो बनने वाला है सिरेमिक ब्रेक पैड के ऊपर। तो सिरेमिक ब्रेक पैड क्या होते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं, उसकी फिटिंग कैसे करते हैं, इसके जो फायदे हैं वो क्या होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज तक जो कार्स और बाइक्स आती थी डिस्क ब्रेक के साथ, उनमें मेटेलिक ब्रेक पैड्स ही दिए जा रहे थे, लेकिन आजकल बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनियां भी सिरेमिक ब्रेक पैड बनाने लगी है। तो उनके रीजंस भी वैसे है, जो सिरेमिक ब्रेक पैड है वो आपको लगभग आफ्टर मार्केट हर कार के लिए और हर बाइक के लिए मिल जाएंगी। तो वैसे ही ये ब्रेक पैड मैंने अमेजोन से मंगाए हैं और ये सुप्रीम ब्रेक कंपनी के ब्रेक पैड्स है और ये पोलो वेंटो जो ओल्ड टाइप वन आती है उनमें बैठते हैं। ये हमारा पुराना ब्रेक पैड है और ये जो पुराना ब्रेक पैड है वो ये मेटेलिक ब्रेक पैड है और ये हमने जो आफ्टर मार्केट सिरेमिक ब्रेक पैड मंगाया है। तो फर्क आपको बताता हूँ, जो हमारा जो मेटेलिक रेगुलर ब्रेक पैड होता है उसको, वो क्या है, थोड़ा बहुत नॉइस करता है ब्रेक के साथ। इसके बाद वो जो ब्रेक पैड जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी ब्लैक कलर की पाउडर ज़्यादा पड़ती है। तो सिरेमिक ब्रेक पैड में ऐसा नहीं है, सिरेमिक ब्रेक पैड सिरेमिक मटेरियल कॉपर से वगैरह बना होता है। वैसे ही जो हमारा मेटेलिक होता है उसमें आयरन वगैरह होता है, स्टील होता है, ठीक है, और कुछ मेटेलिक पार्ट्स होते हैं। तो सिरेमिक ब्रेक पैड है उसका जो ऑपरेशन होता है एकदम स्मूथ होता है, ज़रा भी आवाज़ नहीं करता। दूसरी बात ये, इसमें पाउडर नहीं पड़ती। तीसरी बात है ये ज़्यादा घिसता नहीं है, लॉन्ग लाइफ होता है और जो हमारा रोटर्स है वो भी ज़्यादा घिसता नहीं है, उसकी भी लाइफ ये बढ़ा देता है। और सिरेमिक ब्रेक पैड के डाउन साइड देखे, एक तो वो हमारे रेगुलर ब्रेक पैड होते हैं उनसे थोड़ा महंगा होता है, दूसरा तो ये जिधर एक्सट्रीम कोल्ड एरिया होते हैं जैसे कि 0 डिग्री से कम टेम्परेचर है उसमें ये जो सिरेमिक ब्रेक पैड है इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। काम करता है लेकिन इतना अच्छा काम नहीं कर पाता। तो अभी इस ब्रेक पैड की हम फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग इतनी ईजी है, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो भी दिखाऊँगा मैं आपको। और ये जो सिरेमिक ब्रेक पैड है ये अभी तो बॉश जैसी कंपनियाँ हैं वो भी सिरेमिक ब्रेक पैड बनाने में लगी है और उनके भी कुछ कार्स के बाइक्स के ब्रेक पैड अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, जिधर से मैंने ये मंगाया। तो उनके अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने सुप्रीम ब्रेक के जो अवेलेबल थे वो मंगाए। आपको चाहिए आपके कार के लिए बाइक के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उस लिंक पे जाके आप ढूंढ सकते हो आपके कार का या बाइक का सिरेमिक ब्रेक पैड अवेलेबल है या नहीं है। ये पोलो टाइप वन है, इसमें क्या है ब्रेक कैलिपर की पिन ऐसी लगी होती है पीछे की साइड से और उसमें 7 नंबर के लिंक लगती है, वो हमने पीछे साइड से निकाल दिए। इसके बाद इसके जो पुराने ब्रेक पैड थे वो भी निकाल दिए है, ठीक है। इसके बाद हम ये नए जो ब्रेक पैड है ये लगाएंगे। तो हमारा जो ये ड्रम है, सॉरी ये हमारा सिलेंडर है उस साइड का और बाहर की साइड का ब्रेक पैड थोड़ा अलग होता है। ये जो बड़ी पिन है ना, देख सकते हो ये बड़ी पिन है वो अंदर की साइड में लगेगी सिलेंडर की साइड और ये जो छोटी पिन है वो बाहर की साइड लगेगी। तो वो लगा लेता हूँ मैं, सॉरी उल्टा लग गया है। ये देखो ये लग गया और दूसरा भी लग गया इजीली। दोनों ब्रेक पैड लगाने के बाद हमें ये जो हमारा ब्रेक कैलिपर है वो इस तरह लगाना है, ठीक है। तो अब ये कैलिपर पिन है, वो दो कैलिपर पिन होती है, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, उनको थोड़ा सा लुब्रिकेशन के लिए ग्लीस लगाया मैंने और ये इस तरह मैं इसमें लगाकर टाइट कर दूंगा और उसके ऊपर ये कैप होती है डस्ट कैप वो लगा दूंगा। इतना इजीली ये ब्रेक पैड चेंज हो जाएगा। एक साइड के ब्रेक पैड की फिटिंग प्रॉपर हो गई है और फिटिंग होने के बाद लुक भी देख सकते हैं आप, एकदम मस्त लुक आ रहा है रेड कलर के वजह से। तो हर एक कंपनी के रेड कलर के नहीं आते लेकिन सुप्रीम ब्रेक के रेड कलर के आते हैं, ठीक है। बाकी के जो रेगुलर ब्लैक कलर में ही होते हैं, ठीक है। अभी उस साइड की भी फिटिंग करते हैं और ट्रायल लेने के बाद आपको मैं बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ा है। दोनों साइड के जो ब्रेक पैड हैं उनकी फिटिंग की है, उसके बाद अच्छे से 2-3 बार मैंने ट्रायल लेके देखा, सब कुछ चेक किया एकदम प्रॉपरली। तो चेक करने के बाद ये रिजल्ट्स आए कि जो ब्रेकिंग की पावर है वो थोड़ी सी बेटर हो गई है, मतलब इतने नोटिसेबल भी नहीं है क्योंकि वॉल्सवैगन की जो ऑलरेडी जो ब्रेक का एक्सपीरियंस है वो अच्छा होता है, मतलब आप ब्रेक प्रेस करते हो तो एकदम अर्जेंट ब्रेक लग जाता है। और इसमें ABS है और ये जो ब्रेक पैड है ABS नॉन ABS जो भी हमारे डिस्क ब्रेक के कार साइज बाइक्स है सब में चल जाएंगे, सब के लिए कंफर्टेबल होते हैं। तो जो ब्रेकिंग का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर हो गया, एक 5-10% अच्छा हो गया है पहले से। और जब आप ब्रेक
जैसे कि लाइटली प्रेस करते हैं हम ब्रेक, जैसे कि गाड़ी स्लो करने के लिए वगैरह हम ब्रेक प्रेस करते हैं, तो जो वो एक्सपीरियंस है वो पहले से एकदम अच्छा हो गया है। मतलब ज़्यादा भी नहीं 5-10%, लेकिन स्मूथनेस जो है ना वो काफ़ी अच्छा हो गया है। मतलब इतना स्मूथली ब्रेक लगता है ना, एकदम मज़ा आता है ब्रेक मारने में। आप कितना भी 80-90 के स्पीड से मैंने अर्जेंट सडन ब्रेक लगा के भी देखा, एकदम प्रॉपरली ब्रेक लगता है, ज़रा भी नॉइस नहीं आता, कुछ नहीं, एकदम स्मूथली, मतलब मक्खन जैसा ब्रेक गाड़ी का लगता है। तो ये आपको परचेज़ करने है, तो परचेज़ करने के पहले एक बात ध्यान रखना, आपके यहाँ अगर वेदर का टेम्परेचर जो है 0 से नीचे जाता है, एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में आप रहते हो, तो बिल्कुल मत लगाओ ये। लगाओगे तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड जैसे कि 0 के नीचे जब टेम्परेचर आता है तो ये जो ब्रेक पैड है ये एकदम अच्छे परफॉर्म नहीं करते, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वही एम से भी बिगड़ जाएगा। आप अगर एकदम एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में आप इसको यूज़ करोगे या फिर आपके एरिया में होता है, तो अगर आपके एरिया में ज़्यादा कोल्ड वेदर नहीं होता, 10-15 डिग्री टेम्परेचर तो होता ही है वेदर में भी, मतलब ये सर्दी में भी, तो आप इनको लगा सकते हो। जैसे मैं रत्नागिरी में रहता हूँ, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं लगाने, रत्नागिरी बम्बई दिल्ली इतना कोल्ड टेम्परेचर होता नहीं, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको अगर ये परचेस करने है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ लगभग हर बाइक्स और हर कार के लिए आपको ब्रेक पैड मिल जाएंगे, वो आप उसमें से सिलेक्ट करके परचेस कर सकते हो, अमेज़ॉन की लिंक है। तो अभी तो क्या लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी इस सब एरिया में अवेलेबल नहीं होगे, जब अवेलेबल होगे तो आप इसको लगा के चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अपने ही हो आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।